कुछ नहीं बताऊंगा। दाऊद का आदमी हूं, मरने के लिए भी तैयार हूं। मैं मारने के लिए तैयार हूं। सर, ये क्या किया आपने? कुत्ते की मौत का इंतजार करने के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। म्यूनिसिपैलिटी वालों को फोन कर दो, कचरे के साथ इसकी लाश को भी उठा कर ले जाएं। माय डियर ऑफिसर्स, अकॉर्डिंग टू आवर इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स, दाऊद के आदमी खतरनाक हथियारों के साथ मुंबई में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो मुंबई में कुछ भी हो सकता है। इट मे बी ब्लास्टिंग्स, किलिंग्स और समथिंग इवन मोर डेंजरस। अगर आपको किसी व्यक्ति पर जरा सा भी शक हो तो फौरन उसकी तलाशी लो। हूएवर इट मे बी, इफ ही डजंट कोऑपरेट विद यू, अरेस्ट हिम। महावीर एंड हिज मैन, डोमेस्टिक एयरपोर्ट। प्रकाश खन्ना, इंटरनेशनल टर्मिनल। राजेंद्र गुप्ता हिज मैन, रेलवे स्टेशन। अजीत पवार, दादर बस डिपो। अनिल अग्निहोत्री, कुर्ला। महेश ठक्कर, प्रकाश भारद्वाज, चेक पोस्ट। लास्ट, विनय गोखले, हार्बर्स। जब तक मुंबई चैन से नहीं सोएगा, हम भी नहीं सोएंगे। यस सर। गुड लक। डॉक्टर, वो शूटआउट वाला पेशेंट कैसा है? आई एम सॉरी सर, वो आदमी, देखो ये सेंटीमेंटेलिटी छोड़ो, वो मेरे मामा का लड़का नहीं है। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि वो जिंदा मिलेगा या मुर्दा। सर, मैं देख सकता हूँ उसे? ओके सर। देखा ऑफिसर, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका तू। कुछ नहीं बताऊंगा। दाऊद का आदमी हूं, मरने के लिए भी तैयार हूं। मैं मारने के लिए तैयार हूं। सर, ये क्या किया आपने? कुत्ते की मौत का इंतजार करने के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। म्यूनिसिपैलिटी वालों को फोन कर दो, कचरे के साथ इसकी लाश को भी उठा कर ले जाएं। चलो। कमिश्नर साहब, आपने इतनी बड़ी रकम के हथियार गिरफ्तार किए, एंड यू हैव प्रूव्ड महाराष्ट्र पुलिस इज ग्रेट। ये बड़ी खुशी की बात है। ये खुशी की नहीं, अफसोस की बात है। ये राम जन्मभूमि है। अगर हम यहाँ शांति चाहते हैं तो दाऊद जैसे रावण को खत्म करना होगा। क्या आपको यकीन है कि इन सब के पीछे दाऊद का हाथ है? हाँ, दाऊद और उसके साथ साथ ISI के लोग भी शामिल हैं। वो हिंदुस्तान के टुकड़े करना चाहते हैं, लेकिन मैं और मेरा डिपार्टमेंट उनके ये मंसूबे कभी कामयाब नहीं होने देगा। आपकी बातों से ये साबित होता है कि आप दाऊद को पकड़कर अपना नाम इतिहास में दाखिल करना चाहते हैं। इतिहास में नहीं, मैं जनता के दिल में दाखिल होना चाहता हूँ। क्योंकि इतिहास में तो गांधी भी हैं और गोडसे भी हैं, लेकिन दिल में सिर्फ महात्मा गांधी हैं। और आपकी तमन्ना? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये सिर्फ हिंदुस्तानी नहीं, द होल वर्ल्ड शुड से दिस।
दाऊद भाई, यशवंत सिन्हा ने अपुन का सारा माल पकड़ लिया और हमारे आदमी लोगों को भी मारा है। आज सारे पुलिस डिपार्टमेंट में वो हीरो बन चुका है और अखबार में फोटो भी छपेला है। दाऊद, क्यों बच्चे, दूध दूध पी लिया? दूध तो मैं तब पीऊंगा जब तेरी लाश गिराऊंगा। गिराने वाला तो ऊपर है भगवान, तू तो शैतान है। तुझे मारने के लिए मैं शैतान से भगवान भी बन सकता हूँ यशवंत सिन्हा। ऐ चिल्लाओ मत, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। देखो, जब तक मैं जिंदा हूं तुम मेरा और मेरे हिंदुस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जब मौत करीब आती है तो लोग ऐसी ही बातें करते हैं, महात्मा की तरह। मरने के लिए ना मैं महात्मा गांधी हूं और ना तू गोडसे, और ये जमाना भी 1947 का नहीं AK-47 का है। तेरे दिए तोहफे से ही तेरा कफन बॉक्स बनाऊंगा मैं। तू बनाने वाला है जबकि मैं बना चुका हूं, सिर्फ तेरी लाश डालने की देर है। तुझे याद है मैंने तुझे कहा था कि पहले श्राद्ध और फिर उसके बाद अंतिम संस्कार करने की मेरी आदत है? तेरा श्राद्ध पूरा हो चुका है, सिर्फ अंतिम संस्कार की देर है। योर डेज आर नंबर्ड मिस्टर यशवंत सिन्हा, जस्ट काउंट योर डेज, काउंट योर डेज। अंकल, थैंक यू मां। ಒಂದ್ಕಡೆ ಸಕ್ಕರೆ ಗುಡ್ಡ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಲೈನ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಒಂದೊಂದಿರುವೆ ಸಕ್ಕರೆ ತಗೊಂಡೋಗತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದಿರುವೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಹಾಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ. ನೀವು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀನ ಹೇಳಪ್ಪ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ ಡ್ಯಾಡಿ ತರ ಶುಗರ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್. ಈಗ ನಾವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ, ನಾವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾದ್ದು ಏನು? ಇನ್ನೇನು ಊಟ. ನಿನಗೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಹಾ, ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನು? ಆಯುಸ ಇಲ್ದೇ ಇದ್ರೆ ಸರಿ, ಆಯುಷ್ ಮುಖ್ಯ. ಆಂಟಿ, ಬರೀ ಆಯುಸಿದ್ರೆ ಏನ್ ಲಾಭ? ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡಕ್ ಹಣನೇ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ? ಓಕೆ, ಹಣ ಮುಖ್ಯ. ಮಮ್ಮಿ, ಬರೀ ಹಣ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ? ಅದನ್ನ ಯಾವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋ ಬುದ್ಧಿನೇ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿದ್ಯೆ, ಎಜುಕೇಶನ್. ಅಂಕಲ್, ವಿದ್ಯೆ ಇರೋ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕೊಲೆಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಕಳ್ಳರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರೀತಿನ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಲೈಲಾ ಮಜ್ನು, ರೋಮಿಯೋ ಜೂಲಿಯಟ್ ಯಾಕೆ? ಅತಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮಾಡಬೇಡ, ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಹೇಳು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್, ರೆಡಿ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನೆಮ್ಮದಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅದು ಬದುಕಿದಾಗ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ, ಸತ್ಮೇಲೆ ಸಿಗೋದು. ಸತ್ತಾಗ ಸಿಗೋದು ನೆಮ್ಮದಿ ಅಲ್ಲ, ಬಿಡುಗಡೆ. ನಾವು ಹುಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದು ಸಾಧಿಸಕ್ಕೆ ಹೊರತು ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಕ್ಕಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಗುರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನಾದರೂ ನಾವು ಬದುಕಬೇಕು.